पंजाब सरकार द्वारा चंडीगढ़ पर अपना हक जताने के बाद हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि चुनावों के दौरान जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वायदे किए थे वह पूरे होते नहीं दिख रहे। अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए चंडीगढ़ का मुद्दा सामने लेकर आए हैं। पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है और 60-40 की चंडीगढ़ पर हिस्सेदारी है। हरियाणा सरकार की तरफ से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें सभी पार्टियों के विधायक चंडीगढ़ पर अपनी हिस्सेदारी की मांग करेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि 52 साल सरकार में रहे उसके बावजूद भी कोई काम न कर सके, इसलिए कांग्रेस को तो बोलना ही नहीं चाहिए। कई बार पंजाब की जो सरकार है इस तरह के जुल्म करते रहते हैं और मेरा ये कहना है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है और 60-40 का रेशा है और हमारा जो 40% का चंडीगढ़ में हिस्सेदारी है और हमारी राजधानी चंडीगढ़ है। हमारा ये कहना है 1 इंच भी जमीन हरियाणा की चंडीगढ़ पे नहीं छोड़ेंगे। पहले हिंदी भाषी क्षेत्र की बात थी, हिंदी भाषी क्षेत्र ग्रामीण देंगे चंडीगढ़ लेंगे, तो इसके लिए ये कहना है कि इस तरह का पंजाब जो लोगों ने मत दिया है, लोगों ने विश्वास किया उसके लिए काम करें। जो इन्होंने नारा दिया था मुफ्त बिजली का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, और उस पर काम करें। ये लोगों को इस तरह का बयान देके जो लोगों को जो वादे किए थे उसे भटकाने का काम कर रहे हैं और ये अपने वादे पूरे कर नहीं पा रहे जो लोगों के बीच में लोग गए थे। मेरा यही कहना आपके माध्यम से कि हम 1 इंच भी चंडीगढ़ की नहीं रहेंगे। जो हरियाणा को करना था हरियाणा के सभी दलों के सभी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दूसरे दलों से लेने से जो साथी है या JJP से है और आजाद विधायक है एक मत हम पारित करेंगे कि जो सेशन है कल और जो मुख्यमंत्री के उसमें तो हम एक भी जो भी होगा जो हरियाणा के हित का वही कानून नहीं। हमने एक नई सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ने फैसला दिया था भाई XYZ से पानी अपना हरियाणा का दो और सबसे ज़्यादा प्रभावित हम लोग हैं। इस सफर फरीदाबाद है, गुड़गांव है, मेवात है, भियाणी है, पलवल है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हम लोग हैं और आज हमको पानी नहीं मिल रहा और पानी मिलने ही ना सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका को नहीं मान रहे, बंटवारे को नहीं मान रहे। ये लोग तो धींगा मस्ती कर रहे हैं, ना तो न्यायपालिका को मानते। ये फेलियर है, इनके बस की कुछ है नहीं। ये पंजाब के लोगों को बढ़ने जाए, पंजाब के लोगों को सोच के, पंजाब के लोग बहादुर लोग हैं, बहादुर हैं, कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उनको भटका कर रखना चाहते हैं, मुद्दे से दूर करना चाहते हैं जो वादे के उनको नहीं गए। फरीदाबाद से राजेंद्र दैया की रिपोर्ट।